नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने लिज्जत पापड़ का एड तो बचपन में देखा ही होगा। लिज्जत पापड़ जिसकी कमाई 50 पैसे की थी, आज वो 1600 करोड़ पे पहुंच गया। आइए हम सब जानते हैं नॉलेज रेडियो चैनल के माध्यम से कैसे 7 महिलाओं ने 80 रुपए की कंपनी को 1600 करोड़ की कंपनी बना दी। इससे पहले मैं वीडियो को आगे चालू करूं, आप सभी नॉलेज रेडियो को सब्सक्राइब कर ले। भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे स्वादिष्ट लिज्जत पापड़ की जानकारी न हो। लिज्जत पापड़ जितना पॉपुलर है उतनी ही उम्दा भी है। लिज्जत पापड़ का सफर 1959 मुंबई में रहने वाली जसवंती बेन और उनकी 6 सहेलियों ने मिलकर किया था। इसे शुरू करने के पीछे इन 7 महिलाओं का मकसद इंडस्ट्री शुरू करना या ज्यादा पैसा कमाना नहीं था। इसके जरिए वो अपने परिवार के खर्च में अपना हाथ बंटाना चाहती थी। चूंकि ये महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं और घर से बाहर जाने में भी बहुत सी परेशानी थी, इसलिए जसवंती जमनादास पोपट ने फैसला किया कि वो और उनके साथ शामिल हुई 6 महिलाएं पापड़ बनाने का काम शुरू करेंगी। मुश्किलें यहाँ नहीं खत्म हुई, अब जरूरत थी पैसों की। पैसों के लिए ये 7 महिलाएं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता छगनलाल पारेख के पास पहुंची, जिन्होंने इन्हें 80 रुपए उधार दे दिए। उन रुपयों से महिलाओं ने पापड़ बनाने की एक मशीन खरीद ली और साथ में पापड़ बनाने के लिए जरूरी सामान भी खरीदा। इसके बाद इन महिलाओं ने शुरुआत में 4 पैकेट पापड़ बनाने के बाद उन्हें एक बड़े व्यापारी के पास जाकर बेच दिया। अब क्या था इन महिलाओं की मेहनत रंग लाई और इनकी बिक्री दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही चली गयी। लिज्जत पापड़ के बिजनेस ने उस समय में उन्हें 6,196 रुपए की वार्षिक आय दी थी और जल्दी ही देखते देखते इससे हजारों महिलाएं जुड़ती चली गईं। आपको बता दें कि लिज्जत पापड़ को साल 2002 में इकोनॉमिक टाइम्स का बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2003 में देश के सर्वोत्तम कुटीर उद्योग सम्मान समेत 2005 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ब्रांड इक्विटी अवार्ड भी मिल चुका है। यह कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय महिला को गौरवान्वित होने का अवसर देती है।